चंदौसी में पंडित हनुमान सिंह ग्राउंड में ओएलएफ कप 2020 का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ ओएलएफ के स्वामी ओम प्रकाश ओमीलाल ने फीता काट कर किया। रविवार को सीता रोड स्थित पंडित हनुमान सिंह ग्राउंड में ओएलएफ कप 2020 का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ ओएलएफ के स्वामी ओम प्रकाश उर्फ ओमीलाल ने फीता काट कर अपने कर कमलों द्वारा क्रिकेट के शुभारंभ से पहले राष्ट्रगान किया गया। शुभारंभ के पहले दिन पहला मैच ओएलएफ दादा 11 व ओएलएफ वीरू 11 के बीच मैच खेला गया, जिसमें ओएलएफ दादा 11 ने 8 विकेट से पहला मैच जीत लिया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित, पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेरे बेटा जो कपिल बाबू हैं, उनके सहयोगी, उनके मित्र, उनके मिलने वालों ने सबने मिलकर ये आयोजन खेल का करा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही अच्छी पहल की है श्री कपिल गुप्ता जी ने कि ओएलएफ कप का आयोजन यहाँ चंदौसी में किया गया है। इससे जो हमारे बच्चे हैं इनके लिए खेलने का अवसर मिलेगा और ये बच्चे आगे चल के यूपी लेवल पर और इंडिया लेवल पर खेलें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और खेल जो है वो हमारे लिए एक अवसर प्रदान करता है कि जिससे एक भाईचारा पैदा हो और आपस में बच्चे खेलते हैं तो इससे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा काम श्री कपिल जी ने किया है ओएलएफ कप का आयोजन करा के। तो मैं अपनी ओर से श्री कपिल जी को और पूरी आयोजक कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छी प्रकार से ये इसको खेलें।